घोरपट्टा के जंगलों में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने जब जांच की तो महिला की हत्या होने की बात सामने आई। यह हत्या लूट के लिए की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी सहित लूट का सामान बरामद कर लिया है। घोरपट्टा के जंगल में पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान के लिए पुलिस ने प्रचार प्रसार किया था। इस दौरान महिला की नाती संजय सिंह ने शव की पहचान की है। मृतक महिला हीरा देवी युवक संजय सिंह की नानी है। संजय सिंह ने बताया कि नानी शादी के लिए गई थी लेकिन वहां नहीं पहुंची और अब नानी की मौत की सूचना मिली है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि बिंदुखत्ता के रहने वाले आरोपी उमेद राम ने महिला के जेवर लूटकर हत्या की थी, जिसे हमारी टीम ने सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, 13 मई को डीडीहाट के जंगल में एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में उस जो मृतका है उनका स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु जो है वो बताई गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीडीहाट थाने में 364, 392, 302 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने जब इसकी जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन में हमें एक संदिग्ध गाड़ी, एक हमें सीसीटीवी फुटेज में मिली। जब उस सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी का डिटेल निकलवाया गया तो वो व्यक्ति जो है उसकी पहचान की गई है। और उस व्यक्ति को आज हमारी SOG और थाने की टीम के द्वारा बिंदुखत्ता से गिरफ्तार किया गया है और आज उसको पिथौरागढ़ लाया जा रहा है और गिरफ्तारी करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।